कल हमने पढ़ लिया था, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कल हमने पढ़ लिया था आर्थ्रोपोडा तक। हमने शुरुआत की थी पॉरीफेरा से, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, देन तीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथीस, एस्केहेलमिंथीस जिसको हम नेमेटोडा भी कहते हैं, उसके बाद हमने एनेलिडा पढ़ा था एंड देन आर्थ्रोपोडा पढ़ा था। आर्थ्रोपोडा की खासियत क्या थी? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, एक्सोस्केलेटन कैसा था उसका? काइटिन का बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मॉलस्कंस की, बात कर रहे हैं मॉलस्का। मॉलस्का फाइलम जो है ये भी कैसे हैं? सेकंड लार्जेस्ट, ये है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो कि था सबसे बड़ा फाइलम था जिसके अंदर सबसे ज्यादा ही स्पीशीज देखने को मिलती हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो फाइलम है वो कौन सा है? मॉलस्का फाइलम है। जनरली ये कैसे होते हैं? ये भी कैसे होते हैं? मराइन, मराइन होंगे, ठीक है। और इनका देखें तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मुझे बार बार याद करने के लिए हम इसे बार बार लिखते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमिक है, सिलोमेट्स हैं ये, और बायलेटरल सिमेट्री है इनके अंदर। कैसी है? बायलेटरल सिमेट्री इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ऑर्गन यहां पर ऑर्गन लेवल का सेलुलर और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है, ठीक है। इनका जो बॉडी होता है, इन मॉलस्कन की खास बात क्या होती है कि इनका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? उसके बाहर एक शेल बना हुआ रहता है, एक शेल यानी कि आउटर, ये बाहर से कैसे कवर रहते हैं? एक शेल से कवर्ड रहते हैं, और वो शेल किसका बना हुआ रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। सो बॉडी जनरली किसमें कवर्ड रहती है? बॉडी कवर्ड इन कैल्केरियस शेल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना शेल होता है। आ रही है बात समझ में? सो अब इनका जो बॉडी है वो, जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था कि इनका जो बॉडी था वो किसमें डिवाइडेड था? डिस्टिंक्ट थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था, हेड रीजन, थोरेक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन में डिवाइडेड था। लेकिन मॉलस्कंस के अंदर भी थ्री डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। पहला क्या है? हेड है। दूसरा क्या है? विसरल, विसरल ऑर्गन्स, विसरल हम्प भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, विसरल हम्प, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं विसरल हम्प में, ठीक है। और जो थर्ड है दैट इज अ वेंट्रल मस्क्यूलर फुट, वेंट्रल फुट में डिवाइड रहता है इनका बॉडी। तो इनके बॉडी के थ्री पार्ट्स हैं, हेड रीजन, विसरल ऑर्गन और हम्प, और या फिर वेंट्रल मस्क्यूलर फुट में डिवाइडेड रहता है इनका बॉडी। जनरली वेंट्रल मस्क्यूलर जो फुट है वो किसमें इन्वॉल्व होता है? मूवमेंट, मूवमेंट यानी कि लोकोमोशन, मूवमेंट की जगह हम यहाँ पर लोकोमोशन लिखेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करता है वेंट्रल मस्क्यूलर फुट, ठीक है। उसके अलावा जो एक और स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेंटल, ठीक है, क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ये मेंटल क्या होता है? मेंटल ये होता है कि एक फ्लैशी, फ्लैशी मतलब एक मस्क्यूलर
फ्लैशी स्पॉन्जी लेयर होती है, फ्लैशी स्पॉन्जी लेयर होती है, स्किन की लेयर होती है, और वो किस कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है शेल और विसरल ऑर्गन्स के बीच में। मेंटल कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज फाउंड बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन शेल एंड दिस विसरल ऑर्गन्स, यानी कि वो जो पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम जो उसका बना हुआ है, उस ऑर्गन सिस्टम के ऊपर एक क्या है, फ्लैशी मस्कुलर स्किन प्रेजेंट होती है। उस स्किन को हम क्या कहते हैं, उस स्किन को हम कहते हैं मेंटल कहते हैं। और ये मेंटल किसके बीच में प्रेजेंट है, शेल, यानी कि इसके ऊपर पहले तो ये है शेल है और यहाँ पर मेंटल है, और उसके बाद जो भी ऑर्गन्स है वो सारे कहाँ, यहाँ प्रेजेंट है। तो ऑर्गन्स और शेल के बीच में क्या प्रेजेंट है, दैट मेंटल। आ रही है बात समझ में, ये जो मेंटल है बेसिकली क्या है, एक तरह का स्किन ही है, फोल्डेड स्पॉन्जी स्किन होता है, थोड़ा सा थिक होता है, जो कि कवर करके रखता है, किसके ऑर्गन्स को कवर करने का काम करता है मेंटल। ये जो मेंटल है ये क्या करता है, इसका एक और काम कर, इसका एक और काम होता है, इट सीक्रेट्स, सीक्रेट्स द शेल। ये बेसिकली क्या करता है, ये मेंटल ही है जो कि क्या करता है, शेल का सीक्रेशन करता है। जो शेल हम बना, यहाँ पर मॉलस्कंस जो होते हैं अपने शेल्स के लिए ही फेमस होते हैं। मॉलस्कंस क्या है, सॉफ्ट बॉडी है, और जो कि कवर्ड रहती है, किससे रहती है, इस शेल से कवर्ड रहती है। और ये शेल किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसको सीक्रेशन का काम कौन करता है, ये मेंटल करता है। अब अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, मोती पर्ल जिसको हम कहते हैं, पता है ना मोती कौन बनाता है, मोती समुद्र में ही तो मिलते हैं, तो समुद्र में कौन से एनिमल्स होते हैं, वो ये वाले मॉलस्कंस ही तो होते हैं, पर्ल ऑयस्टर, ऑयस्टर्स कहते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं, उनके शेल होते हैं, दो व्हाइट कलर के शेल देखे होंगे, ऐसे कुछ उनका शेल होता है दोनों तरफ, ये दो ऐसे खुलते हैं आपस में और बीच में पर्ल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये इनका कुछ ऐसा शेल होता है जिसको हम पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, और इसी के बीच में प्रेजेंट होता है, इन दो शेल्स के बीच में क्या रहता है, प्रेजेंट होता है एनिमल प्रेजेंट होता है, और यहीं पर पर्ल का वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो हम इसे कहते हैं पिंक टेडा और पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या खासियत होती है इनकी, स्पेसिफिसिटी, कि इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का शेल एज एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन यहाँ पर कैसे होता है, तो ये तो थी खास बात, मेंटल यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन यहाँ पर या तो, क्योंकि ये एक्वाटिक है, तो या तो गिल से होगा, या फिर किससे होगा, बॉडी सरफेस से, किससे होगा, बॉडी सरफेस से होगा, गिल्स और बॉडी सरफेस से। अब यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, हीमोसाइनिन टाइप का ब्लड होता है। ब्लड कैसा होता है, हीमोसाइनिन, ब्लड कैसा होता है, हीमोसाइनिन टाइप का ब्लड होता है। यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, अब हम सारे इसके ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था इससे पहले वाले ऑर्गन्स के अंदर मैल्पिगियन ट्यूब्यूल पढ़ा था, किसके अंदर, ऑर्थोपोडा के अंदर। यहाँ पर है मेटानेफ्रीडिया, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मेटानेफ्रीडिया। ये टर्म आपको याद होनी चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किसका बना हुआ रहता है, मेटानेफ्रीडिया का बना हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम अमोनिया,
यूरिक एसिड। क्या है? अमोनिया एंड यूरिक एसिड है, ठीक है। और इनका जो नर्व सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, वो कैसा होता है? गैंग्लियन टाइप का होता है, यानी कि गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलर कोई ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन में आई यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एज वेल एज टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो आई एंड टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जनरली हमने सारे पढ़े हैं, जितने भी जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि जितने भी अभी तक हमने फाइलम पढ़े हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट, मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि उनकी लाइफ में, लाइफ स्टेजेस के अंदर लार्वा स्टेज भी प्रेजेंट होती है। अरे ये बात समझ में? इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? पाइला, यूनियो, वो पता है क्या? शंख देखे हैं क्या? शंख होते हैं, वो भी पाइला ही होता है, पाइले का बना हुआ रहता है वो शंख, ठीक है। पाइला, यूनियो, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी कैसा रहता है? मॉलस्क का ही। ऑक्टोपस का देखा है क्या? ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस जिसके पास आठ पैर होते हैं, ऑक्टोपस हाँ? आठ, हाँ आठ दिल भी होते हैं क्या? ऑक्टोपस है। दूसरा है लॉलीगो, ये तुमको वहां पर देखने को मिलेंगे स्कूल के अंदर, तुम्हारे स्पेसिमेन लगे हुए होंगे तो वहां देखने को मिलेगा, ऑक्टोपस, लॉलीगो, पाइला, यूनियो, ठीक है। पाइला, यूनियो, ठीक है। तो ये है मॉलस्कन के बारे में। खास बात क्या है कि इनके पास क्या रहता है? कवर रहता है बॉडी के ऊपर, और दूसरा क्या है? मेंटल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अरे बात समझ में? और ये तो सारे के सारे कॉमन हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं? शंख, हाँ वो स्नेल्स, इन्हीं को ही कहते हैं पाइला, यूनियो, बेसिकली स्नेल्स मॉलस्कन्स को ही कहा जाता है, डेड होने के बाद मिलता है, क्योंकि सॉफ्ट ऑर्गन तो वो तो ऑर्गन तो पार्ट जो होता है वो शेल के अंदर ही रहता है। क्या रहता है? शेल के अंदर ही रहता है। आ रही बात समझ में? और वो जब डेड हो जाते हैं तो फिर वो काम में लिए जाते हैं, वो ऐसे ही पड़े हुए मिल जाते हैं समुद्र में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। जनरली ये कैसे होते हैं? अगेन ये होते हैं मरीन, मरीन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अगेन ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक और ये क्या होते हैं? सीलोमेट्स होते हैं। उसके अलावा इनके पास खासियत क्या होती है इनकी, कि ये जो इकाइनोडर्मेट्स है इनके अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एंडोस्केलेटन, हाँ सिमेट्री इनके अंदर, अभी बताती हूँ कैसी होती है। एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अब ये जो एंडोस्केलेटन होता है ये किसका बना हुआ रहता है? ये बना हुआ रहता है कैलकेरियस स्पीक्यूब्स का। कैसी होती है? कैलकेरियस ऑसिकल्स, सॉरी स्पीक्यूल्स की जगह हम लिखेंगे यहां पर ऑसिकल्स होती हैं। कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ रहता है। अब देखो ऐसे फ्लावर की तरह लगता है वो, स्टारफिश, ठीक है। ये इसका यहां पर माउथ रीजन होता है, ठीक है, और ये इसकी फाइव क्या रहती हैं? आर्म्स रहती हैं, और इस पर स्पीक्यूल्स लाइक अंदर की तरफ होते हैं और वो बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, थोड़ा सा खुरदरा स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या लगे हुए हैं? कैलकेरियस
ऑस्टिकल्स लगे हुए हैं पूरी बॉडी सरफेस पर। स्टारफिश की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, स्टारफिश रख दिया है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एस्टेरियास। इसका जो नेम है बेसिकली वो क्या है, एस्टेरियास, ठीक है। अंडरलाइन किया है मैंने क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। अब देखो एंडोस्केलेटन है, कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, इकाइनोडर्मेटा। डर्म का मतलब होता है दैट इज स्किन, तो इसकी स्किन पर स्पीक्यूल्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, कैल्केरियस स्पीक्यूल्स लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम है। इकाइनो का मतलब ही यही होता है, स्पाइनी। इकाइनो का मतलब है स्पाइनी बॉडी, इकाइनो का मतलब है यहाँ पर स्पाइनी बॉडी है, और इसीलिए स्पाइनी बॉडी किसकी वजह से है, एंडोस्केलेटन की वजह से है, इसलिए इनका नाम क्या रखा है, इकाइनोडर्मेटा रखा है। इसके अंदर जो सिमेट्री है वो सिमेट्री दोनों ही टाइप की मिलती है, यहाँ पर दोनों ही टाइप की मिलेगी। कैसे कि अगर वो एडल्ट है, एडल्ट, दिस इज द एडल्ट कंडीशन, ये है एडल्ट। अगर ये एडल्ट एनिमल होगा तो इसके अंदर कौन सा वाला, अब मुझे इसको देख के बताओ कि इसके अंदर किस तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है, कि इनके अंदर किस तरह की सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी। बताओ, रेडियल सिमेट्री देख के बता रहा है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री, इसको किसी भी प्लेन से काटो, किसी भी प्लेन से काटो तो ये कैसा होगा, इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड होगा। किसी भी यहां से काटो तो भी इक्वल में डिवाइड हो रहा है, यहां से काटो क्योंकि स्फेरिकल शेप है बेसिकली, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो एडल्ट के अंदर तो क्या होता है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। और लार्वा कंडीशन के अंदर, लार्वा स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है, लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। नहीं, इसके बिल्कुल अलग होगा, लार्वा और एडल्ट हमेशा एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, ठीक है। अब जैसे फ्रॉग है ना, फ्रॉग देखो तो फ्रॉग कैसे होती है, इसकी टेल होती है क्या एडल्ट फॉर्म में, लेकिन उसके लार्वा के अंदर क्या होती है, टेल प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं टेडपोल लार्वा, है ना। तो उसके पास टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है इसका स्ट्रक्चर। कैसा रहता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर रहता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है, दैट्स वाई वो बायोलेटरल सिमेट्री शो करता है लार्वा। तो इनकी लाइफ स्टेजेस के अंदर एडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री है और लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनके कुछ सिस्टम्स की बात करेंगे कि यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अभी रहने देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, पहले ये याद कर लो, इतना ही बहुत है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसा है, कंप्लीट है। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी, इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, इसका एक स्पेशल जो फीचर है वो तो मैंने बताया ही नहीं, स्पेशल फीचर देखो, इसका स्पेशल फीचर ये है कि इट हैज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। इसके पास क्या होता है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, क्या होता है, वाटर
वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कुछ वाटर वैस्कुलर सिस्टम का मतलब है ये स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर क्या रहती हैं, रेडियल कैनाल्स रहती हैं। ये कैनाल है, ये एक कैनाल यहाँ निकल के जा रही है, एक कैनाल यहाँ निकल के जा रही है, ये सारी क्या है, रेडियल कैनाल्स हैं। क्या है, रेडियल कैनाल्स हैं। आ रही है बात समझ में? और ये जो कैनाल्स हैं, इस कैनाल्स पर ट्यूब फीट लगे हुए रहते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ट्यूब फीट इनको हम कहते हैं। पूरे बॉडी में यही स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बेसिकली वाटर वैस्कुलर सिस्टम का मतलब ये है कि ये कैनाल्स होती हैं, ये सारी क्या है, ये सर्कुलर कैनाल बीच में, और इससे जितनी भी आर्म्स है उन आर्म्स को कैनाल्स जो जाती हैं उसे हम कहते हैं रेडियल कैनाल्स, और ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके क्या कहला रहा है, इसे हम कहते हैं वाटर वैस्कुलर कैनाल। बेसिकली क्या होता है कि इसके में किसी भी तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है। इन एनिमल्स के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर इनको फूड, अगर इनको कोई फूड ट्रांसपोर्ट करना हो, जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाला काम है वो कौन कर रहा है, इसके थ्रू हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये वाटर है, इन कैनाल्स में क्या करता है, फ्लो करता है, इनको जो भी चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना हो चाहे प्रिडेशन करना हो, तो उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और ये है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो कि किसी भी फाइलम में नहीं है, ओनली इकाइनोडर्मेटा का ये स्पेशल फीचर है। आ रही बात समझ में? और साथ ही साथ ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन, ठीक है, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन, और एज वेल एज ये क्या करता है, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या हो गया कि इन्हीं की वजह से इसमें, इन कैनाल्स में जैसे ही पानी भरता है तो हम पहले तो क्या करते हैं, सक करना होता है ना, तो ये पहले पानी को सक करता है, फिर पानी को छोड़ते हुए अलग जगह पे पहुंचता है। पानी को जैसे ही यहां से खींचा और फिर पानी जैसे ही रिलीज किया तो ये दूसरी जगह पे चला गया। तो कुछ इस तरह से इसका मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब देखो यहां पर कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि एक्सक्रीटरी वाला काम सारा कौन कर लेता है, यही वैस्कुलर सिस्टम। तो जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो सारा किससे निकल जाता है, फिल्टर होकर के यहीं से निकल जाता है, तो इसमें कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, यहां पर एब्सेंट होता है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेटेड होती है, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि अब जो तुम्हारे पेपर बनेंगे, जो बोर्ड पेपर्स, बोर्ड पेपर का मतलब है जो फाइनल पेपर, हाफ ईयरली पेपर जो तुम्हारे होंगे, उनके अंदर तुम्हारे 20 क्वेश्चंस तो क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। तो अब देखो हर एक फाइलम का कोई यूनिक फीचर है, और यूनिक फीचर में से मान लो कोई क्वेश्चन दे दे कि इकाइनोडर्मेटा का यूनिक फीचर क्या है, तो इकाइनोडर्मेटा का यूनिक फीचर है इट हैज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसके पास क्या होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। अब देखो यहां पर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल तो है स्टारफिश, एस्टेरियास है, ठीक है ना, दूसरा है इकिनस, होलोथूरिया, ठीक है,
इसका इकिनस का नाम है सी आर्चिन, इसका कॉमन नेम है सी आर्चिन और इसका कॉमन नेम है सी कुकुम्बर। ठीक है, इकिनस और एक एस्टेरियास है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार फिश। इसका अपीयरेंस कुछ ऐसा लगता है, पिंक पांच आर्म्स है इसकी, इसलिए ऐसा लगता है कि ये, इसको हम नाम दे दिया है स्टार फिश नाम दिया है। उसके अलावा एंटीडॉन भी एक एग्जांपल है, एंटीडॉन और दूसरा है ऑफिकर ऑफ्यूरा, एंटीडॉन और ऑफ्यूरा, एंटीडॉन और ऑफ्यूरा। इसे हम ब्रिटल स्टार भी कहते हैं। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा क्या है, इनके अंदर रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री दोनों मिलेगी, एज वेल एज इनके अंदर वाटर वेस्क्युलर सिस्टम भी मिलेगा, और इसके कुछ एग्जांपल्स तुमको याद करने हैं। और साथ ही साथ इसके पास एंडोस्केलेटन होता है, दैट इज अ कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ रहता है। बाकी तो हमें चीजें याद ही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर होता नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर होता नहीं है, तो उसकी जगह पर सारा काम कौन कर रहा है, वाटर वेस्क्युलर सिस्टम कर रहा है। लोकोमोशन भी यहाँ पर कौन कर रहा है, वाटर वेस्क्युलर सिस्टम कर रहा है। ठीक है, अब एक लास्ट हमारे पास बचेगा हेमिकॉर्डेटा। अब हमारे पास एक लास्ट आता है हेमिकॉर्डेटा। पहले इस फाइलम को किसके साथ रखा गया था, कॉर्डेटा के साथ रखा गया था, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने इसे क्या कर दिया, इसे बना दिया है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, इसे रख दिया है। ठीक है, अब देखो ये कॉर्डेटा से कुछ सिमिलैरिटी रखता था, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया था, पहले कॉर्डेटा में रखा गया था, लेकिन इसके पास कहा गया था कि इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हमें पता चला साइंटिस्ट को कि यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो रूमिनेंट यानी कि रूडिमेंट टाइप का है, यानी कि कंप्लीट एक्चुअल नोटोकॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जो कि किसकी स्पेशल फीचर है, सिर्फ कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड। यहां पर जो स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर, यहां पर जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का नाम है स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर, जो है दैट इज सिमिलर टू, ये कैसा लगता था, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, ये लगता उसके जैसा ही था, लेकिन ये नोटोकॉर्ड नहीं था। ठीक है, बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसको कॉर्डेट से हटा करके कहाँ रख दिया, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रख दिया, तो सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, ये क्या है, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड है। ठीक है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल वर्म लाइक बॉडी होती है, कैसी होती है, सिलेंड्रिकल वर्म लाइक बॉडी इनकी होती है। ठीक है, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनका जो बॉडी है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, थ्री रीजन्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, फर्स्ट है प्रोबोसिस, प्रोबोसिस जो आगे का माउथ पोर्शन है उसको यहां पर नाम दिया गया है प्रोबोसिस नाम दिया गया है, माउथ के बाद जो रीजन आ रहा है उसे नाम दिया है कॉलर नाम दिया गया है। ठीक है, सो इसका बॉडी है, जो एंटीरियर पार्ट है कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर होता है और ब्लंट स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर फेरिंग्स होता है जो कि
कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और इस रीजन को हम कहते हैं प्रोबोसिस। और बीच वाले यहाँ के रीजन को हम कहते हैं कॉलर। और इसके बाद जो तीसरा आता है दैट इज अ ट्रंक, जो लास्ट वाला पोर्शन है दैट इज अ ट्रंक। सो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक इसके बॉडी का पार्ट बना रहे हैं। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है, ओपन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो सारे कैसे हैं, ओपन टाइप के ही सर्कुलेटरी सिस्टम थे। किस कुछ एक के अंदर ही, एनालिट्स के अंदर ही शायद सर्कुलेटरी सिस्टम जो था वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम था, लेकिन जनरली बाकी नॉन क्वाड्रेट्स हैं उन सभी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा है, ओपन टाइप का है। आगे हम वर्टिब्रेट पढ़ेंगे तो वर्टिब्रेट्स के अंदर भी जितने भी वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे उन सभी के अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन नहीं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये मेजर डिफरेंस है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में। जैसे नोटोपोड जो होती है वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होती है, उसी तरह से नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है जबकि कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू हो रहा है। रेस्पिरेशन यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, यहीं पर कॉलर रीजन में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इनका जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज सेक्सेस आर सेपरेटेड होते हैं। पहले तो हम देखें सेक्सेस आर सेपरेटेड होते हैं और जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। बहुत ही शॉर्ट छोटा फाइलम है ये, तो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सो ये बहुत ही छोटा सा था, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है कि इसके पास बॉडी जो है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक होता है और इनके अंदर सिमिलर टू कॉर्डेट नोटोकॉर्ड की तरह ही कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। और ये वैसे कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कॉलर रीजन। कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है ये स्टोमोकॉर्ड, जो कि किससे सिमिलर होता है, नोटोकॉर्ड के सिमिलर होता है। ठीक है, गिल्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाकी चीजें जो है दे आर सेम सब की तरह। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है हेमिकॉर्डेटा। हमने नॉन कॉर्डेट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, कॉर्डेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कॉर्डेट्स के सैलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी क्लासेस डिवीजन और फिर उसके हम क्लासेस पढ़ेंगे। तो करीबन 7 क्लासेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉर्डेट्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, 7 क्लासेस पढ़ेंगे। कॉर्डेट खुद एक फाइलम है। ठीक है, उस फाइलम को हमने सब फाइलम में डिवाइड किया है, फिर सब फाइलम को भी हमने डिवीजन में डिवाइड किया है और वो डिवीजन जो है बाद में क्लासेस आ रही हैं और एक्चुअली हमें क्लासेस को पढ़ना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इनके कुछ इसका एग्जांपल है बैलेनोक्लॉसस। ये जो मैंने बनाया है बेसिकली क्या है, इस एग्जाम्पल बैलेनो ग्लॉसिस, इसका एग्जाम्पल है बैलेनो ग्लॉसिस।